Greetings to all. I am Vivek and I am BBA graduated. Right now at present I am student of Focus IAS PCS Institute. Today I am going to present seminar on Skill India. So if we talk Skill India, Skill India scheme or program. अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये 15 जुलाई 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो क्या जरूरत पड़ गई थी गवर्नमेंट को कि उन्हें ऐसी स्कीम लानी पड़े कि वो देश के युवाओं की स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सके। तो चलिए अभी हम इस चीज़ को जानने से पहले कुछ थोड़ा इतिहास में चले जाते हैं। तो इतिहास को मद्देनजर रखते हुए कि हम तो फिर हम आज तक आएंगे कि क्या हुआ था ऐसा इतिहास में। तो इतिहास में हम 1947 से बात करेंगे। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उन्हीं कुछ सालों में ही चाइना भी ग्रो कर रहा था। तो चाइना, अगर हम बात करें चाइना और इंडिया की, इन दोनों की उम्र लगभग सेम ही है अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो इंडिया के पास कुछ इतने अभी इतने बड़े बड़े चैलेंजेस थे इंडिया के सामने, इंडियन गवर्नमेंट के सामने, कि अभी पहले उन चैलेंजेस को भी काउंटर करना था। तो इससे पहले सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर पर फोकस किया। अभी एग्रीकल्चर पर भी फोकस करना था, इंडस्ट्रीज पर भी फोकस करना था, क्योंकि अगर हम बात करें एक घर है, अगर एक घर में कुछ मेंबर्स रह रहे हैं तो उन घर वालों की सबसे पहली जरूरत क्या होगी, उन्हें जीने के लिए क्या चाहिए, उन्हें जीने के लिए फूड चाहिए। तो अभी देश हमारा उस टाइम पर अभी आज़ाद हुआ था तो अभी सबसे पहले गवर्नमेंट का किस पर फोकस आना चाहिए था, एग्रीकल्चर पर फोकस आना था। तो क्योंकि अभी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी उस टाइम पर तो लोगों को फूड भी मुहैया करवाना था, तो इसीलिए एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया उन पहले कुछ सालों में, आज़ादी के बाद के कुछ सालों के एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। तो एग्रीकल्चर पर फोकस करने के बाद फिर अगले आने वाले धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया फिर इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया को अंगेज होना पड़ा वॉर्स में। 1962 के अगर बात करें, 1962 में इंडिया की चाइना के साथ वॉर लगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा इंडिया को उस टाइम पर। तो फिर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अभी हमारा डिफेंस इक्विपमेंट इतना ज़्यादा अभी इतना स्ट्रेंथन नहीं है तो अभी डिफेंस इक्विपमेंट को भी स्ट्रेंथन करने के लिए तो अभी डिफेंस पर भी खर्चा करना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए डिफेंस पर खर्चा करते करते ऐसे ही अभी खर्चा कर ही रहे थे 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर लगी। तो 1960 में पाकिस्तान, तो 1971 में फिर वॉर लगी पाकिस्तान के साथ। तीन वॉर लगी पाकिस्तान के साथ 1999 आते हुए हमारी पाकिस्तान के साथ फिर वॉर लगी कारगिल में, जिसे हम कारगिल कहते हैं। तो अभी डिफेंस इक्विपमेंट हमें अपने देश को बचाने के लिए, देश को डिफेंस करने के लिए अभी डिफेंस इक्विपमेंट पर खर्चा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पर। तो इसीलिए उस टाइम पर गवर्नमेंट इन और सब ऐसे स्किल डेवलपमेंट हो गया एजुकेशन और हेल्थ पर खर्चा ज़्यादा नहीं कर सकी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इनके इन चीज़ों के रिगार्डिंग बजट में इन्हें ज़्यादा भी परसेंटेज नहीं दी जाती थी उस टाइम पर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अभी और ज़्यादा डेवलप हुआ इंडिया और ज़्यादा उम्र बढ़ी इंडिया की, तो जैसे अभी 21st सेंचुरी जब से स्टार्ट हुई है तो उस टाइम पर फिर गवर्नमेंट को अभी कहीं ना कहीं हमारी कंडीशन इस टाइम से अभी कुछ ज़्यादा स्टेबल हो चुकी थी। तो अभी इसीलिए तो फिर गवर्नमेंट ने आगे आते आते तो फोकस करना स्टार्ट किया कि हमें अभी एजुकेशन पर भी फोकस करना है हमें, और हमें स्किल, अभी तो स्किल इंडिया जैसी स्कीम पर इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है ताकि हमारे देश का युवा आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा आगे बढ़ सके, और ताकि अपने कंपटीटर हैं जो और कंट्रीज कंपटीटर हैं तो उन लोगों के साथ कम्पीट कर सकें और अपनी एक जगह समाज में बना सकें। अगर हम बात करें तो इंडिया के मुकाबले और कौन कौन सी कंट्रीज हैं इंडिया के मुकाबले जिससे
जापान हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया। तो जापान हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, साउथ कोरिया हो गया। तो अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर कंट्रीज की जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इनकी अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितना यूथ स्किल है, यूथ कितना स्किलफुल है, तो अगर हम बात करें जापान की, जापान का यूथ 80% स्किल्ड है। अगर हम बात करें यूएसए की, यूएस का यूथ है वो 42% स्किल्ड है। तो अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी का 76% यूथ स्किल्ड है। साउथ कोरिया सबसे ज़्यादा 90% यूथ इसका स्किल्ड है। तो अगर हम इन कंट्रीज को इंडिया के साथ कंपेयर करें, तो इंडिया की देखो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 130 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन इंडिया, तो इसका अगर यूथ की बात करें तो कितने लोग यहाँ पर अभी स्किल्ड हैं, उससे नियर अबाउट 5% यूथ है अभी स्किल्ड है। क्यों इतना कम क्यों रह गया, सिर्फ 5% ही क्यों रह गया? अगर हम इस चीज़ पर फोकस करें तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स निकल कर आएंगे सामने कि अभी यूथ हमारा 5% ही स्किल्ड रह गया। तो सबसे पहले बात करें तो अगर हम बात करें तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सही है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से लायबल है कि वो यूथ को पूरी तरह से स्किलफुल बना सके? क्या गवर्नमेंट इस चीज पर फोकस कर रही है कि अभी और ज्यादा, क्या अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बिल्कुल एक एक लास्ट माइल ऑफ द कंट्री जाकर ये देख पा रही है कि वहां पर लोगों को स्किल्स मिल रही है कि नहीं मिल रही जिस फील्ड में वो आना चाह रहे हैं आगे। तो इसलिए गवर्नमेंट हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, तो क्या यूथ हमारा चाहता है कि वो स्किल्स कि वो स्किलफुल बने, या सिर्फ हमारे जो कंट्री है क्या वो सिर्फ एक मार्क्स पर ही डिपेंड है कि हमें मार्क्स ही चाहिए, बस हमें डिग्रीज ही चाहिए? क्या हम इन चीज़ों से ऊपर उठ पाए हैं क्या नहीं? क्या हमें अभी अपने स्किल्स को क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है सोसाइटी में पूरे वर्ल्ड लेवल पर कि स्किल्स की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा अभी दिन ब दिन स्किल्स की ज़रूरत बढ़ ही रही है। तो अगर हम बात करें कि हर साल इंडिया में जो यूथ है, जो वर्किंग फोर्स है, हर साल कितनी वर्किंग फोर्स फील्ड में आ रही है, नियर अबाउट 12 मिलियंस हर साल कितने लोग वर्क फोर्स में हर साल अपनी डिग्रीज, अपनी ग्रेजुएशन जो भी हो स्टडीज कर रहे हैं उसके बाद, या एक लो लेवल से उठकर एक हाई लेवल पर आ रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, सभी को मिलाकर 12 मिलियन जो लोग हैं वो वर्क फोर्स में इंक्लूड हो रहे हैं, कंसिडर किए जा रहे हैं। तो अगर 12 मिलियन को क्या उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, तो क्या उन्हें जो उनकी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग जॉब्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। तो इसीलिए इस चीज़ को, ताकि ऐसी प्रॉब्लम यूथ, क्योंकि एक हमें बात याद रखनी पड़ेगी, अभी ये जो टाइम चल रहा है इंडिया में, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है, हमारी पॉपुलेशन रिप्लेस हो रही है, जो हमारे माँ बाप थे, हमारे दादा दादी थे, अभी वो रिप्लेस हो रहे हैं नए यूथ के साथ, नया यूथ अभी आगे आ रहा है। तो अभी इस यूथ को अभी एम्प्लॉय करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को कि ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में आगे आना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं वो कहीं डेमोग्राफिक बर्डन के रूप में ना आगे आ जाए। तो इसलिए हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड पर फोकस करना पड़ेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि आने वाला कि ये इतने स्किलफुल हो आने वाले टाइम में कि डिविडेंड मतलब कि लोग कि हमारा देश ग्रो करे आने वाले टाइम में, इकोनॉमिक ग्रोथ सुपर बहुत ही ज़्यादा हो। तो इसलिए हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड पर फोकस करना पड़ेगा कि हमें इस टाइम पर देश को किस चीज़ की ज़रूरत है कि आने वाले टाइम में देश को वो चीज़ें मिल सकें, यूथ से मिल सके, क्योंकि आने वाला टाइम में यूथ ने ही देश को संभालना है। तो वो यूथ इतना काबिल हो सके कि वो अपने काबिलियत के बल पर, अपनी स्किल्स के बल पर, और अपने आप को भी संभाल सके और अपने देश को भी संभाल सके आने वाले टाइम में। तो जिस तरह से चाइना को पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है,
चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है चाइना में, तो इसीलिए आज के टाइम में चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप कर ली है। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर आप इंडिया की बात करें, चाइना को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे वर्ल्ड का। तो जापान क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हब। जापान के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो जापान ने क्या सोचा, तो इसी तो क्या, अगर जो लोग कहते हैं कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो क्या तो फिर जापान को तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होना चाहिए था आज के टाइम में। जापान ने क्या किया, जापान ने इस चीज़ को अपनी कमजोरी नहीं समझा कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो हम डेवलप नहीं हो सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जापान ने अपने ह्यूमन की डेवलपमेंट के बारे में सोचा कि हम अपने लोगों को डेवलप करेंगे, तो इसीलिए जापान आज के टाइम पर बाकी कंट्री से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि जापान आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गया एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जिनके पास बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। जापान की बात छोड़ो, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की कुछ सेंट्रल कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आई हो उनकी जो सेंट्रल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से तो उन कंट्रीज़ को तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाना चाहिए था, मगर वो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्योंकि उन रिसोर्सेज को ज़्यादा अभी एक्सकावेट नहीं किया गया, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा ना ही तो उन्होंने अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया, क्योंकि देखो किसी भी कंट्री का अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सकावेट करना है ना, तो वहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी बंदों की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो कंट्री से ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकी, मगर जापान देख लो आज कहाँ पर पहुँच गया और चाइना मैन्युफैक्चरिंग अब है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इंडिया के पास तो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है ना, तो इंडिया बाकी कंट्री से भी रहता है नेचुरल रिसोर्सेज, मगर इंडिया के खुद के पास काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मिडल ऑफ इंडिया जैसे इंडिया की मिडल एरिया जैसे छोटा नागपुर कच्ची हो गया और कुछ बंगाल का रीजन हो गया, कुछ हमारा नीचे साउथ इंडियन के कुछ स्टेट्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा हमें उन स्टेट से हमें नेचुरल रिसोर्सेज हम प्रोक्योर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के साथ साथ तो अभी इंडिया ने ये भी सोचा कि हमें अपना ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसा हो कि आने वाले टाइम में हमारा जो यूथ है वो बाकी दुनिया के साथ कम्पीट कर ही ना सके, अगर वो कम्पीट करेगा तो ही वो सेटल हो सकेगा, तभी वो इस रेस में हिस्सा ले सकेगा, इस रेस में आगे बढ़ सकेगा। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स, तो इसलिए ये माना गया है, तो इसलिए इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए ये कहा गया कि हमें भी कि प्रधानमंत्री ने 2015 में ये कहा था कि हमें भी इंडिया को अभी ह्यूमन रिसोर्स हब इंडिया को भी बनाना ही पड़ेगा। तो 2022 तक का ये टारगेट है कि 2022 तक हम पूरे इंडिया को, देखिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि ह्यूमन्स के पास स्किल्स हो, अगर किसी के पास स्किल्स है तो वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने आप को किसी भी फील्ड में अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा सकता है, वो कर सकता है अपने आप को एडजस्ट। तो देखिए अगर हम एज एग्जांपल अगर चलें तो आज के टाइम पर अगर हम कुछ भारत की कुछ इमारतों की बात करें, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, गोल्डन टेम्पल जैसी इमारतें होगी, और अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर एफिल टावर हो गया, वो भी उन कारीगरों की स्किल्स ही थी कि वो उन्होंने ऐसी सुंदर और इतनी बृहद इमारतें खड़ी कर दी, तो वो भी स्किल्स ही थी, स्किल्स के दम पर ही उन, क्योंकि उन उन कारीगरों ने उन लोगों ने उस टाइम पर स्किल्स दिखाई थी, तो आज के टाइम पर वो उनके स्किल्स के दम पर ही वो ये चीज़ें आज इंडिया में भारत में खड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर आज इतना टूरिज्म आ रहा है फॉरेन कंट्री से, तो उन्हीं टूरिज्म की वजह से ही आज देख लो उनकी स्किल्स के हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि उनकी स्किल्स की बदौलत ही आज हमें इतना ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पर आ रहा है, और हमारे देश की इकोनॉमी का कहीं ना कहीं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, तो इसलिए स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अगर हम इसके बाद बात करें तो अगर तो मैंने पहले बता दिया आपको कि 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया कैंपेन स्किल इंडिया स्कीम लॉन्च कर दी गई पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो अभी अभी क्या क्या टारगेट्स हैं स्किल इंडिया स्कीम के कि हमने कब तक कि हमने आने वाले टाइम में कितने लोगों को स्किलफुल बनाना है कहाँ कहाँ हमने कि हमें कितने इंस्टीट्यूशन ओपन करने हैं किस तरह से लोगों को टारगेट करना है कि आने वाले टाइम में इन चीज़ स्किल इंडिया स्कीम के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हम इन चीज़ों पर हम अभी और डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एक जो वो एक पूरा स्किल्ड बन एक स्किल्ड पूरा स्किल्ड वर्कर है जो पूरा स्किलफुल वर्कर है पूरा कौशल व्यक्ति है जो उसकी वजह से किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें कि एक किस तरह से स्किल्स जो हैं वो बिल स्किल्स जो हैं स्किल्स पर ही डिपेंड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए आइए आपको मैं एक कास्ट कैटिंग फैक्टर समझा देता हूँ कि किस तरह से सारा काम करता है। अगर एक बंदा स्किलफुल है स्किल्ड एक स्किलफुल बंदा है या स्किल्ड बंदा है कोई भी स्किल्ड वर्कर है किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी स्किल्स की वजह से ही उस कंपनी को प्रॉफिट होंगे कंपनी को प्रॉफिट होंगे तो कंपनी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी मोर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से और ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी मोर इंडस्ट्रीज और ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी और ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी तो वहां पर जाकर और ज्यादा उन्हें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी तो मोर एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट और ज्यादा चाहिए होगी तो अभी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी हो जाएगी क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ज्यादा इंडस्ट्रीज हो जाएगी ज्यादा इंडस्ट्रीज की वजह से अभी इंडस्ट्रीज में डिमांड किसकी होगी और ज्यादा एम्प्लॉयज की तो एम्प्लॉयज मतलब अनस्किल्ड एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज मतलब कि स्किल्ड वर्कर्स तो हमें यहाँ पर और ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स चाहिए तो इसी के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमें स्किल इंडिया जैसी स्कीम की यहाँ पर जरूरत पड़ती है स्किल इंडिया जैसी स्कीम की जरूरत यहाँ पर पड़ती है ताकि और ज्यादा कंपनीज की जो डिमांड है स्किलफुल वर्कर्स की उन डिमांड्स को फुलफिल किया जाए ताकि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके और ज्यादा इंडस्ट्रीज बन सके और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े और ज्यादा अर्निंग बढ़ सके अर्निंग बढ़ने के साथ साथ ही तो फिर और ज्यादा वो डिमांड जनरेट करेंगे वर्कर्स। अभी मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ किसी एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये तो हो गया ये तो एक कास्केडिंग इफेक्ट हो गया सारा ये। अगर हम सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स की वर्कर की ओर से देखें एक स्किल्ड वर्कर है पूरा स्किलफुल बिल्कुल कौशल और हाँ यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ मैं स्किल इंडिया की टैगलाइन क्या है कौशल भारत कुशल भारत। कौशल का मतलब स्किल्ड पूरी तरह से स्किल्ड अगर भारत पूरा स्किल्ड होगा तो वो ही भारत कुशल का मतलब प्रॉस्परस यानी कि वेल्दी होगा हेल्दी होगा ये सारा हो गया कौशल भारत कुशल भारत जितना ज्यादा कौशल उतना ज्यादा कुशल तो इसलिए स्किलफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम दूसरे कास्ट कैटेगरी वर्कर की बात करें एक स्किलफुल वर्कर है पूरा स्किल्ड वर्कर है और उस वर्कर को क्या चाहिए अभी वर्कर को अर्निंग्स हो रही है अर्निंग्स होने की वजह से उसे उसकी अर्निंग्स इंक्रीज हुई या अर्निंग्स ले रहा है वो अर्निंग्स की वजह से वो क्या होगा अभी उसके पास अभी डिमांड और जनरेट करेगा और नए नए प्रोडक्ट्स की डिमांड जनरेट करेगा अर्निंग्स होने की वजह से डिमांड जनरेट हुई तो मतलब कि
और ज्यादा मोर प्रोडक्शन, मोर डिमांड्स, मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन, तो और ज्यादा प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा है मोर डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर्स, मोर डिमांड ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो मोर डिमांड ऑफ एम्प्लॉयर्स हो गए तो इनके पास और ज्यादा, जैसे जैसे एम्प्लॉयर्स और आएंगे, स्किल्ड एम्प्लॉयर्स, और ज्यादा एम्प्लॉयर्स आएंगे इनके पास तो फिर क्या होगा, और ज्यादा उनकी, उन एम्प्लॉयर्स की अर्निंग इंक्रीज होगी, उनके हाथ में पैसा आएगा, तो ज्यादा हाथ में पैसा आने की वजह से क्या होगा, तो वो और ज्यादा डिमांड जनरेट करेंगे, और ज्यादा डिमांड जनरेट करने की वजह से वो और ज्यादा पीछे से और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड को फुलफिल करने की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो और ज्यादा प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन को फुलफिल करने के लिए और ज्यादा एम्प्लॉयर्स की डिमांड बढ़ेगी। इस तरह से ये ऐसे ही एक साइकिल चलता रहेगा, और इस तरह से और ज्यादा इंडस्ट्रीज लगती ही रहेंगी, इंडस्ट्रीज को नई नई इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो इस तरह से ही हमारा देश और ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें कि टारगेट क्या मेरा है, क्या टारगेट डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, क्या हमें कितने वर्कर्स को, कितने यूथ को, कितने लोगों को हमें टारगेट करना है कि हमें उन्हें पूरी तरह से स्किल्ड बनाना है, तो 2022 तक बोला गया है कि हमने 500 मिलियन यूथ को हमने पूरी तरह से स्किलफुल बनाना है, पूरी तरह से वो स्किल्ड होने चाहिए। और इसमें सिर्फ, और इस फिगर में सिर्फ नए जो अभी जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं सिर्फ वो ही इंक्लूड नहीं है, इसमें जो ऑलरेडी वर्किंग, एक वर्किंग फेज में है ये पॉपुलेशन, उसको भी इंक्लूड किया गया कि अभी उनकी और ज़्यादा स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, उन्हें उनकी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश किया जाए। तो इसलिए वर्किंग पॉपुलेशन और जो अभी नए नए ट्रेनिंग में आ रहे हैं, नए ट्रेनिंग में आ रहे हैं जो यूथ है, उनको भी हमें पूरी तरह से स्किलफुल बनाना ही पड़ेगा। तो वो ये था टारगेट 500 मिलियन का। तो इतनी बड़ी स्कीम है ये, 500 मिलियन यूथ को हमने 2022 तक हमने पूरी तरह से स्किलफुल बनाना है, पूरी तरह से वो कौशल होने चाहिए। तो इसीलिए अभी इस चीज़ को, अभी इतनी बड़ी स्कीम को लॉन्च करने के लिए, इस चीज़ को लागू करने के लिए हमें फंड्स तो चाहिए, पैसा कहाँ से लेना है, तो इसलिए एक यहाँ पर फंड है, इसको हम बोलते हैं NSDF। मतलब क्या है इसका, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, इसमें से ही पैसा आएगा इन स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए, इन स्कीम्स को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट में फंड कहां से आएगा, तो यहां पर एक रोल आ जाता है एक और बॉडी का, जिसे बोलते हैं NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है। नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी कौन सी होती है, एक तो नॉन प्रॉफिट होती है, एक नॉन फॉर प्रॉफिट होती है। नॉन प्रॉफिट क्या होती है कि अभी उस नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी वो होती है जिसका कोई भी एक इंटेंशन ना हो कि हमें प्रॉफिट चाहिए। और नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी जैसे NGOs होगी, काफ़ी NGOs हैं काम कर रही हैं, गवर्नमेंट NGOs भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने NGOs में वो नॉन फॉर प्रॉफिट ही ऑर्गेनाइजेशन या नॉन फॉर प्रॉफिट ही बॉडीज हैं। ये नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होता है, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडीज होती हैं इनका मकसद ये नहीं होता कि हमें प्रॉफिट चाहिए, मतलब ये खुद के लिए प्रॉफिट, एक पर्टिकुलर पर्सन ये है, ये इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, मगर इसे खुद के लिए कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। इसे प्रॉफिट चाहिए मगर खुद के लिए प्रॉफिट नहीं चाहिए, इसे प्रॉफिट चाहिए कि जितना भी प्रॉफिट है मैं वापस उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दूँ, ताकि उस चीज़ को और ज़्यादा मैं इम्प्रूव कर सकूँ, उस चीज़ को और ज़्यादा मैं डेवलप कर सकूँ, उसका एक और नया वर्जन निकल कर सामने आए। तो इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट, ये नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
तो कौन कौन से लोग इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस, अभी इतनी बड़ी स्कीम है, लोगों को स्किलफुल बनाना है, तो एक गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट सिर्फ एक गवर्नमेंट पर ही ये सारा, अगर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट पर ये सारा लोड नहीं, हम उनके सर पर नहीं सारा कुछ फेंक सकते, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं इसमें, गवर्नमेंट खुद भी हैं और कुछ और एनजीओ वगैरह भी हैं, तो ये सारे मिलकर ही नेशंस के डेवलपमेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आगे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली, तो फिर ये इन पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उस चीज़ को अच्छी तरह से, उस फंड्स को अच्छी तरह से एलोकेट करने का काम भी किसका है? NSDC का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ही काम है। ये एक गवर्नमेंट ही इसे अच्छी तरह से कंट्रोल करती है, इसे रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट का ही काम है ये। तो इसके, ये तो हो गया सारा, हमने देखा कि कहाँ से फंड्स एलोकेट होते हैं, कौन सी बॉडी है उस फंड, उन फंड्स को रेगुलेट करती है। तो अभी हम आगे बात करेंगे कुछ स्किल इंडिया जैसी स्कीम के, स्किल इंडिया स्कीम। अब अच्छा एक और यहाँ पर बात बता दूँ मैं, स्किल इंडिया स्कीम है, ये स्किल इंडिया था, स्किल इंडिया के कुछ, स्किल इंडिया नाम से ही स्किल इंडिया के दौरान कुछ और स्कीम्स भी लॉन्च की गई थी, बिल्कुल ऐसी, मतलब उनका सब, उनका वर्क, उनकी वर्किंग सारी सेम ही थी, पर उनके कुछ नाम्स, कुछ रीजन्स के अकॉर्डिंग, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनके नाम चेंज कर दिए गए थे, उनके नाम और आ रहे हैं मगर वर्किंग सारी सेम ही है, जैसे होगी हमारी दीनदयाल उपाध्याय, ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके अलावा और अगर हम रीजनली बात करें, और हाँ स्किल इंडिया नाम, स्किल इंडिया स्कीम का एक और नाम है जिसका मतलब, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी उसी के दौरान, उसी के दौरान लॉन्च हुआ स्किल इंडिया स्कीम के, जब वो उसकी लॉन्चिंग थी, तब जब वो कैंपेन लॉन्च किया गया था, तभी ये सारे नाम, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी उसी टाइम पर ही लॉन्च की गई थी। इसके अलावा और क्या क्या नाम दिए गए, जैसे अगर हम बात करें कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो स्कीम चल रही है उसका नाम है रोशनी, और है स्टेट्स जिसका नाम है मानस, ऐसे नाम दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा, ताकि उन लोगों को जो बिल्कुल, ये जो स्कीम है ना, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, ये जो बिल्कुल गांव, जो लास्ट माइल जो विलेजेस हैं, सभी गांवों को टारगेट करने के लिए, तो उसका नाम ये दिया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना। तो उसके बाद है रोशनी, मानस, ये कुछ जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश में, उन लोगों को टारगेट करने के लिए कि उन्हें भी पूरी तरह से स्किलफुल बनाया जा सके, तो इसीलिए उन्हें ये नाम दिया, रोशनी हो गया, मानस हो गया, ये उनके लोकल नाम है, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस स्कीम में इन्वॉल्व नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी साथ दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना पूरा अच्छा रोल निभा रही है, क्योंकि देखो किसी भी तरह की अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है, स्कीम लॉन्च करनी बहुत आसान है, लॉन्च कर दी, कुछ भी लॉन्च कर दिया, मगर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कुछ ही देर में हम ये भी देखेंगे कि ये स्किल इंडिया स्कीम अच्छी तरह से, ये कि क्या क्या इश्यूज इस स्कीम को फेस करने पड़े। तो अभी हम कुछ देर में, अभी आगे जाकर कुछ थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर हैं स्किल इंडिया स्कीम के, क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़े स्किल इंडिया स्कीम को, और अभी भी क्या क्या इश्यूज फेस किए जा रहे हैं स्कीम के द्वारा, और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं आने वाले टाइम में। मगर उससे पहले अगर हम बात करें तो स्किल इंडिया स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज के टाइम में टोटल
near about 1500 courses provide किए जा रहे हैं skill india scheme के अंदर. skill india schemes के द्वारा जो भी training courses दिए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, वो totally उनकी एक figure है 1500, near about 1500 courses हैं. तो इनमें से जो 60% courses की जिम्मेवारी है वो है ministry of skill development and entrepreneurship के अंदर है. 60% courses की जिम्मेवारी इनके ऊपर है और उनमें से बाकी जो 40% है वो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो बाकी की अदर मिनिस्ट्रीज हैं जो अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बाकी की 40% जो कोर्सेज हैं अदर मिनिस्ट्रीज. तो ये तो 1500 कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो अभी इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश की, तो ये पॉपुलेशन ये तो ये अभी घर घर जाकर तो नहीं प्रोवाइड करेंगे ना ये सारे कोर्सेज, ये सारे जो स्किल्स हैं घर घर जाकर तो प्रोवाइड नहीं की जाएंगी. तो इसलिए कुछ इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए हैं कि ये भी टारगेट किया गया कि हम और इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जैसे ITIs हो गए, ITIs इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे. तो आइडियाज तो पहले ही बहुत थे मगर अभी और बनाने के बारे में सोचते हैं गवर्नमेंट के, अभी और बनाएंगे ताकि और ज़्यादा यूथ को हम टारगेट कर सकें और उन्हें जो उनके कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग जो उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो उन्हें कोर्सेज चाहिए हम उन्हें वो कोर्सेज प्रोवाइड कर सकें. तो इसके बाद अगर हम बात करें ये होगा आइडियाज सारे, तो अभी हम आगे बात करेंगे कि हम कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं स्किल इंडिया स्कीम के अंदर. जी देखिए काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारे भारत की वो किस चीज़ में एंगेज है, वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. तो इसलिए वो मोर देन 80% और 85% जो पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करती है और सिर्फ कुछ परसेंट ही ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. और इसलिए उन लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करते हैं उन्हें भी स्किल्स प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने यहाँ अपनी स्किल्स को और ज़्यादा नरिश कर सकें और आने वाले टाइम में और ज़्यादा देश के लिए एक एसेट बनकर आगे आ सकें. तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो इसके बाद अगर बात करें तो हमारे कुछ ट्रेडिशनल जो हमारे ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो हमारे ट्रेडिशनल जो हम ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिस तरह से जो हम करते हैं हम घर से हम जो हमारे सदियों से हमारे साथ चले आ रहे हैं जिस तरह से हो गया हमारा कारपेंटर, जो कारपेंटर हो गया लकड़ी का काम करते हैं जो वो हो गए, बारबर्स हो गए नाई लोग बाल काटने वाले, और उसके बाद अगर हम बात करें बारबर्स हो गए कॉबलर्स हो गए कंस्ट्रक्शन करने वाले हो गए, ये सारे और भी बहुत सारे हैं जो सदियों से ही हमारे साथ चलते आ रहे हैं. इन सेक्टर्स में भी और ज़्यादा स्किल्स लाने के लिए, इन सेक्टर्स को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए जो इन सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं जो वर्किंग क्लास इन सेक्टर में इन्वॉल्व हैं उनकी स्किल्स को भी और ज़्यादा हमें इम्प्रूव करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा ताकि आने, क्योंकि देखो अभी स्किल इंडिया स्कीम से पहले ही हमें उन्हीं मंथ्स के दौरान उन्हीं सालों उन जो ईयर्स था 2015 तो उसके दौरान ही मेक इन इंडिया स्कीम भी आई थी. तो फिर प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया जैसी स्कीम ये लॉन्च की, तो इन सारी स्कीम्स को फैसिलिटेट करवाने के लिए तो हमें स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसलिए सारी स्कीम जितनी भी चाहे डिजिटल इंडिया है चाहे है हमारी मेक इन इंडिया है और चाहे और ज़्यादा जन बैंकिंग से रिलेटेड कुछ स्कीम्स है, जनधन योजना है और काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स आई हैं, तो उन सारी स्कीम्स को फैसिलिटेट करवाने के लिए स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आइडिया तो क्या क्या हमें का यूथ को क्या है आज के टाइम में, देखो आज हमारा जो देश है वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज से ज़्यादा यानी कि सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा वो टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है. तो टर्शरी सेक्टर में तो ज़्यादा कंप्यूटर्स का तो बहुत ज़्यादा यानी कि टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटर्स का ही काम होता है, ज़्यादा कुछ IT से रिलेटेड ही काम होते हैं वहाँ पर. तो इसलिए उस चीज़ को फैसिलिटेट करवाने के लिए हमें कंप्यूटर नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को.
चाहे लोग शहरों के हैं, चाहे गांव के हैं, चाहे कहीं के भी हैं, तो उन सभी लोगों को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना फैसिलिटेट करवाना, ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बस वही यहाँ पर वही बात आ जाएगी, अगर नहीं करवाएगी गवर्नमेंट फैसिलिटेट, तो यही लोग आने वाले टाइम में डेमोग्राफी, जो डिविडेंड की मैंने बात बोली थी, ये डेमोग्राफिक बर्डन होंगे तो गवर्नमेंट को इनसे कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, कंट्री का पतन होना तय हो जाएगा कि कंट्री आने वाले टाइम में गिरेगी ही गिरेगी। तो ये तो हो गया सारा कि कौन कौन सी वर्किंग क्लास, कौन कौन से हमें कोर्सेज प्रोवाइड करवाने हैं। तो 1500 टोटल कोर्सेज थे, नियर अबाउट 1500 थे। तो उसके अलावा अभी ये सारा कवर करने के बाद पर हम आगे जाएंगे कि स्किल इंडिया स्कीम के फीचर्स कौन कौन से। तो अगर हम फीचर्स की बात करें, तो फीचर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि स्किल इंडिया स्कीम का फीचर। देखिए तो स्किल इंडिया स्कीम में जो भी युवा लोग, जो भी जो भी आईटीआई में आएंगे लोग, जहाँ युवा जो भी यंग जनरेशन आएंगे आईटीआई में, तो उन्हें वहाँ पर कुछ महीनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद तो वहाँ पर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल भी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग एक फर्स्ट फीचर की बात करें तो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्किल इंडिया स्कीम के तहत, जो वो ट्रेनिंग लेंगे आगे स्किल इंडिया स्कीम के अंडर जो भी युवा लोग आएंगे ट्रेनिंग लेने, उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद एक टेस्ट होगा कि जो उन्होंने कुछ सीखा है, तो टेस्ट होने के बाद जिन लोगों ने टेस्ट पास कर लिया है तो उन्हें एक थोड़ी मॉनिटरी रिवार्ड भी दिए जाएंगे, यानी कि 10,000 rupees तक मॉनिटरी रिवार्ड भी रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे। तो ये तो हमें सर्टिफिकेट्स की बात फीचर से। तो स्किल्स कौन कौन सी स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, कौन कौन सी स्किल्स सिखाई जाएंगी उनको, वो तो एक तो एक उनका इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि यूथ का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। देखिए रीजन वाइज अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें, तो हर एक ज्योग्राफी बात करें तो हर एक रीजन में रीजन की अपने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी अपनी कुछ किस चीज़, कहीं कोई रिसोर्स रिच एरिया है, कहीं किसी रिसोर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो रिसोर्स के अगर हम रिसोर्स की बात करें, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो इन चीज़ों को मायने रखते हुए, तो ज्योग्राफी को मद्देनज़र रखते हुए, तो वैसे ही उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे कि हाँ वो इस एरिया में रह रहे हैं तो हमें इन्हें इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए। इनमें सभी आ जाएंगे ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, मैसन हो गया, और हो गया हमारे कॉबलर, जो मैंने अभी बताया कॉबलर हो गए, बार्बर्स हो गए, ऐसे इन्हें कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंप्यूटर कोर्सेज हो गए, तो ऐसे ऐसे कोर्सेज इन्हें सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वो सर्टिफिकेट्स वो हो गए, अलग अलग ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उन्हें कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, रीजनल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो उनकी पर्टिकुलर प्लेस की उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा और कौन से फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, कौन कौन से फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज हो सकते हैं, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज को लैंग्वेज कोर्सेज की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि ये जो स्किल इंडिया स्कीम इस नज़रिए के साथ लॉन्च की गई थी कि अगर हम फॉरेन लैंग्वेज में भी बच्चों को आने वाले टाइम में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें उनकी फॉरेन लैंग्वेज की जो एक स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी। तो वो सिर्फ भारत में ही नहीं, वो वर्ल्ड में कहीं भी जिससे साथ जो भी उन्होंने लैंग्वेज सीखी है उसके अकॉर्डिंग वो कहीं भी जाकर अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, अपना जो उन्होंने काम करना है उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे, ज़्यादा इसके फीचर नहीं हैं। तो मैंने फंड्स बता दिए, फंड्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, वहाँ से ये फंड वहीं से फंड एलोकेट होते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसी बॉडीज़ हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडीज़ हैं, तो वो सारी फंड्स एलोकेट करने में ही हेल्प करती हैं, और वो देखती है कि कौन कौन से एरियाज में रिक्वायरमेंट है फंड्स की, तो वो स्किल इंडिया स्कीम के तहत तो वहाँ पर वो फंड एलोकेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं इस स्कीम को, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं अभी तक इस स्कीम के चलते, इस दौर में चलते, जब से ये लॉन्च हुई अब तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो देखिए एक शारदा प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला था कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो
ये जो स्कीम की जो पॉलिसीज हैं जिस तरह से लॉन्च होनी चाहिए, जिस तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, ये उस तरह से बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इसलिए उन्होंने बोला उनके अकॉर्डिंग NSDC एंड NSDF एक फंड है, कॉरपोरेशन है, इन्होंने पॉलिसीज को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया बिल्कुल भी, तो इसलिए स्कीम कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी लॉस में चल रही है अभी भी, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से। किसकी थी? शारदा प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के तहत कि नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा। तो अगर हम बात करें और क्या 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 ये स्कीम के बेनिफिट्स हैं, जो क्या ये सभी को मिल रहे हैं, सभी यूथ को, जितने भी यूथ हैं इंडिया का जिन्हें भी जरूरत है स्किल्स की, क्या उन्हें वो स्किल्स मिल रही हैं स्किल इंडिया स्कीम के तहत या नहीं मिल रही? तो क्या यूथ को ये अप्रोचेबल है, यूथ को ये अप्रोच कर पा रही है, या यूथ इसे अप्रोच कर पा रहा है? यूथ को इस चीज़ के बारे में पता भी है कि स्किल इंडिया स्कीम जैसे नाम की कुछ एक ऐसा कैंपेन चल रहा है इंडिया में, क्या स्किल्स लेने के बाद, क्या स्किल्स के जो ट्रेनिंग का जो एक कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करने के बाद, क्या यूथ को जो जिस जॉब में उन्हें जाना चाहते हैं, क्या उन्हें वो जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही जो उनकी कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए थी उसे? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अभी माइंड में चल रहे हैं कि जो स्किल इंडिया स्कीम है क्या वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो पा भी रही है या नहीं हो पा रही। तो इसीलिए तो अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ अभी तक 24% ही ऐसे लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट्स मिले हैं और 18% लोग हैं ऐसे हैं जिन्हें मॉनेटरी रिवार्ड्स जो वो मिले हैं, बाकी किसी को नहीं मिले। ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट है कि सभी को नहीं मिलेगी, कि सभी को इस चीज़ का भी बेनिफिट नहीं मिला, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत बड़ा फ्लॉ है स्किल इंडिया स्कीम का। क्योंकि जिस फोर्स के साथ, जिस नज़रिए के साथ ये स्कीम लॉन्च की गई थी, उस नज़रिए पर ये बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो सिर्फ 24% लोग ऐसे हैं जिन्हें सर्टिफिकेट्स मिले हैं और 18% लोग ऐसे हैं जिन्हें मॉनेटरी रिवार्ड मिले हैं, और सिर्फ अभी तक तकरीबन 8.5% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें स्किल इंडिया स्कीम के तहत कोई जॉब मिली है, एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत चिंता का विषय है कि कितना पैसा जनता का इस चीज़ में, इस स्कीम में जा रहा है जिसे अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये कहीं ना कहीं ये है कि इस चीज़ की लगातार इवैल्यूएशन नहीं हो रही। इवैल्यूएशन नहीं हो रही क्योंकि किस चीज़ की वैल्यूएशन नहीं हो रही? कि स्कीम को फंड्स तो एलोकेट कर दिए गए हैं, क्या स्कीम वो फंड्स एलोकेशन करने के बाद क्या वो फंड्स फील्ड में जाकर अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं? क्या उन्हें फील्ड में अच्छी तरह से उन फंड्स को इन्वेस्ट किया जा रहा है? क्या ITs बनाए जा रहे हैं? क्या नए नए टीचर्स जो नए नए ट्रेनर हैं उन्हें रिक्रूट किया जा रहा है ताकि वो लोगों को अच्छी तरह से जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उन स्किल्स का बेनिफिट दे सकें? क्या ये सब इन सब चीज़ों में फंड एलोकेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो इसलिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो एक इंस्पेक्शन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्पेक्शन भी नहीं हो रही इन चीज़ों की। क्या कोई हाई लेवल का ऑफिसर आकर इन सभी चीज़ों को, स्किल इंडिया स्कीम को, क्या हर रोज़ या मंथली या वीकली आकर उन चीज़ों को देख रहा है कि जो भी सरकार की स्कीम चल रही है, स्किल इंडिया स्कीम चल रही है, क्या वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? वो क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या कमियां आ रही हैं, उन चीज़ों को नोटिस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, क्या क्या वीकनेसेस और कहां कहां और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या इन सभी चीज़ों को नोटिस में लाया जा रहा है कि नहीं लाया जा रहा, या सिर्फ गवर्नमेंट या हमारी जो NSDF है क्या वो फंड एलोकेट करी जा रही है और कहीं कुछ करप्शन तो नहीं हो रही? तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। तो इसीलिए अभी इन चीज़ों का सोल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोल्यूशन क्या होगा कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि ये जो स्किल इंडिया स्कीम है, स्किल इंडिया स्कीम के बारे में लोगों को बताना चाहिए। स्किल इंडिया स्कीम के पता होने से पहले तो हमें ये बताना चाहिए, हमें ये इस चीज़ को पूरी तरह से एक, हमें चाहे सर्वे के माध्यम से, चाहे हमें किसी और माध्यम से,
कि क्या हमें जो हमारी बेसिक एजुकेशन है जो हमें अभी इस टाइम पर इंडिया में दी जा रही है, बच्चों को दी जा रही है, क्या वो रेलेवेंट एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, या सिर्फ हम अभी भी जो मैंने पहले बात बोली थी स्टार्टिंग में कि क्या हम अभी भी मार्क्स पर ही डिपेंड है। हाँ जरूर, हाँ ठीक है, मार्क्स जरूरी हैं, सिर्फ मार्क्स ही जरूरी नहीं है। तो क्या स्किल्स दी जा रही है कि नहीं दी जा रही लोग बच्चों को, क्योंकि स्किल्स ही आने वाले टाइम में वो उन बच्चों का भविष्य तय करेंगे कि वो किस फील्ड में वो ज़्यादा निपुण है, किस फील्ड में वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, वो स्किल्स पर ही डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में क्या है सिस्टम कि उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की सरकारों ने एक्ट ही ऐसे बनाए हैं कि अगर कोई बच्चा ठीक है रेगुलर अपनी स्टडी कर रहा है, अगर स्टडी के साथ साथ उसके पास कोई स्किल होना भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए वो वहाँ के कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न है कि चाइना को जो एक स्किल, जो चाइना का यूथ एक स्किल ज़्यादा स्किलफुल ज़्यादा है इंडिया के यूथ से, तो ये भी एक उसका कारण है। स्किल्स की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए हमें और क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए? अगर हम बात करें तो हमें एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी टाइप इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए, ताकि जो एक एडवांस स्किल्स में एडवांस स्किल्स हमने गेन की हैं उसके अकॉर्डिंग हमें, जैसे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कम्प्लीट हो जाए, ट्रेनिंग का प्रोग्राम कम्प्लीट होने के बाद वो हमें एक डिग्री प्रोवाइड करे एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की ओर से। और ऐसे और एक तो ये हुआ, और हमें जैसे मैंने पहले बताया कि स्किल डेवलपमेंट की स्किल जो स्किल इंडिया स्कीम चल रही है, स्किल इंडिया स्कीम के तहत जो भी इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं उन इंस्टीट्यूशन की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और जो वहाँ पर ट्रेनर्स आ रहे हैं उन ट्रेनर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन ट्रेनर्स को टाइम टू टाइम या मंथली या वीकली उन्हें उनकी एक अलग ट्रेनिंग सेशन लगना चाहिए और उनका एक अलग टेस्ट होना चाहिए, ताकि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा नरिश कर सके, अपना जो एक उनका वे ऑफ टीचिंग है उसे और ज़्यादा नरिश कर सके, ताकि जो बच्चे हैं जो भी ये कोर्सेज जिन्होंने ये कोर्सेज जो भी कोर्सेज अडॉप्ट किए हुए हैं वो उन कोर्सेज को और अच्छी तरह से सीख सकें, और सीखने के बाद वो बाद में उसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्पेक्शन होगी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी होगी, टीचर्स ट्रेनिंग होगी, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम के चाहे ये एनुअली चाहे आफ्टर सिक्स मंथ एक इवेंट लॉन्च करना चाहिए कि ये इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने जहाँ जो स्किलफुल हो चुके हैं पूरी तरह से, जिन्होंने अच्छे टेस्ट क्लियर कर ले हैं, जहाँ अच्छी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है स्किल ये जो स्किल इंडिया स्कीम के तहत, तो उन इंस्टीट्यूशन को उन पर्टिकुलर पर्सन्स को रिवार्ड्स देने चाहिए, ताकि और ज़्यादा लोग मोटिवेट हो सकें स्किल इंडिया से, और उन्हें पता चल जाए कि स्किल इंडिया नाम की कोई स्कीम चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा और इसका बेनिफिट है। तो इसका मतलब कि इवेंट्स होने चाहिए मंथली और सिक्स मंथली और एनुअली। तो इसके बाद ये हो गया कि हमें इस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना कि इंस्पेक्शन होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्पेक्शन होनी ही चाहिए। और हाँ, ये भी इस चीज़ पर भी चेक रखना चाहिए कि कोई करप्शन तो नहीं हो रही, क्या फंड्स एलोकेट हो रहे हैं अच्छी तरह से, नहीं हो रहे, और पूरी तरह से इस चीज़ में कैग हर ईयर इस चीज़ की एक रिपोर्ट कि इतने फंड एलोकेट हुए हैं और इतने फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए गए, इन सारी चीज़ों की एक कैग रिपोर्ट आनी चाहिए, ताकि हर साल के बाद इस चीज़ को अच्छी तरह से एनालाइज किया जा सके, और पर्टिकुलर टाइम टू टाइम रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि इतने लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं, इतने लोग एम्प्लॉयड हो चुके हैं, इतने लोगों को मॉनेटरी रिवार्ड दे दिए गए हैं। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि हमें स्किल इंडिया स्कीम को हम आगे तक ला सकते हैं। तो इसके बाद तो फिर यूथ को भी ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो घर घर जाकर वो सभी को ऐसी स्कीम के बारे में बताए, पर कि वो घर घर जाकर लोगों को कहे कि आप स्किल्स लो, ये स्किल्स का बेनिफिट ये है। हर एक बंदे को, हर एक यूथ को, चाहे वो पेरेंट्स को बच्चों के पेरेंट्स को इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उस चीज़ का बेनिफिट क्या हो सकता है, इन चीज़ में
इन चीज़ों में अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स ऐसी चल रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्केलिंग के स्कीम के अलावा भी, कि लोगों को पता ही नहीं है स्कीम्स भी, ऐसी स्कीम्स भी चल रही हैं। तो इन सभी चीज़ों की अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो ठीक है वेल सेटल्ड लोग हैं सोसाइटी में हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वो इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट करें अपने आस पास अपनी सोसाइटी में, कुछ अपना टाइम निकालें और इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो जाए, लोग इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। तो इसलिए अंत में अगर हम मुझे कंक्लूड करना हो इस चीज़ में, तो हर एक गवर्नमेंट के साथ साथ हर एक जो सिटीज़न है इस देश का, इस भारत का कोई, इस देश का कोई भी नागरिक, इस देश का कोई भी नागरिक है, तो उस नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो क्या उसे उसे उसकी ये जिम्मेदारी है क्या कि वो पूरी तरह से अवेयर हो इन स्कीम्स के बारे में, ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में गवर्नमेंट द्वारा, ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चला रही है, तो इन प्रोग्राम्स को आगे लेकर जाए वो, ताकि हर एक सिटीज़न जो देश का है कि वो आने वाले टाइम में एक अच्छा एसेट बन सके पूरे देश के लिए और देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान दे सके। क्योंकि आने वाले टाइम में ये देश है जो ये अभी मैंने जैसे शुरू में बोला था, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फेज चल रहा है आने वाले टाइम में। ये जो आज का युवा है इन्होंने ही आगे आने वाले टाइम में इन्होंने ही अपना देश संभालना है, तो इन देश को संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ऐसी स्कीम्स को आगे प्रमोट करना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी स्कीम्स हैं, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ की पूरी तरह से टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करनी चाहिए कि ये स्कीम पूरी तरह से अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। इसके लिए टाइम टू टाइम और ज़्यादा कंपेन करने चाहिए और ज़्यादा प्रमोशनल इवेंट्स करने चाहिए, ताकि और इन चीज़ों की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ सके आने वाले टाइम में और लोगों को इस ऐसी स्कीम्स की मान्यता समझ आए। थैंक यू।